अपना पानी खोद के अपने समर सेविल करेंगे, अपना पानी हम इसी जमीन पर सम्मान के साथ में किसान जाएगा। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, मैं पूरी जिम्मेदारी उनकी लेता हूँ। उन्हें कोई गड़बड़ करी अगर मेरे हाथ में, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप शांति बनाए रखें, एक मिनट आप लोग बैठ जाएं। ये थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। एक ये आंदोलन और देश दो पद्धति पर चलता है। यहाँ की जो पद्धति थी वो किसी और किसी पद्धति है, अगर उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जाएगी तो देश में अव्यवस्था फैलती है। यहाँ का ऋषि पद्धति भी महत्वपूर्ण है, यहाँ की कृषि पद्धति भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हमने पानी मांगा है तो पानी आया है। जिस दिन हम गाँव की मिट्टी मांगेंगे, इस गाँव के किसान मिट्टी लेके भी आएंगे। हमने दो महीने पहले ये कहा, जो लोग आंदोलन में आ रहे हैं अगर उसके घर की याद उसको आए, अपने खेत की मिट्टी ले आना, अपने हाथ में दर्पण की तरह उसको देखना, उसका उसका खेत भी दिखेगा, उसका उसका गांव भी दिखेगा, उसके गांव याद नहीं आए। ये आंदोलन चलेगा, किसानों की जीत होगी। जिस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया किसानों के खिलाफ, और खास करके जो सरदार बिरादरी थी इसके खिलाफ, वो हमको सारी चीज दिख रही थी कल, वो हमको दिखाई दिया कि जिस तरह से यहाँ पे लोग, हम अपनी बातचीत एक होगी थी, एक बातचीत होगी थी कि हम लोग चले जाएंगे, हमारे लोगों की सुरक्षा की गारंटी किसकी है। जो यहाँ पे जो हमारा किसान यहाँ से था, जो हमारे सरदार भाई यहाँ पे थे, उसकी घर तक पहुँचाने की गारंटी किसकी थी। एक षड्यंत्र रचा गया था कल, 200 लोग एकक विधायक के साथ में यहाँ पे आए, और हमारे जो सिख भाई हैं, जो हमारा किसान यहाँ पे थे, उनके साथ में क्या अत्याचार होता, उनकी पगड़ियाँ उछाली जाती, उसको मीडिया में दिखाया जाता और ये कहा जाता कि जनता इनको पीट रही है। उसी मैंने देखा, वो मुझे दिखाई दिया, वे सड़क पर गुजरते हुए लोग दिखाई दिए कि जब ये लोग यहाँ से जाएंगे, आगे लोग खड़े कर रखे थे सब जगह, इधर से लोग उधर को भागते, उनके भागते हुए के ऊपर हमले होते, जब तक वे घर तक जाते वे घर तक नहीं जा सकते थे। एक अहिंसा यहाँ पर भड़काने का काम करा गया, मतलब इतने दहशत में जो हमारे बाबे यहाँ पे हैं, जो हमारे बुजुर्गवार यहाँ पे हैं, जो सरदार कौम यहाँ पे है, मतलब उसको ये भय हो गया कि मैं अपने गाँव तक कैसे जाऊँगा, मतलब किसकी हिम्मत है कि उनको कोई टच कर दे। जिस सम्मान के साथ में यहाँ पे आए हैं, उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा, वो आदमी भी बैठो, वे लोग, ये हालात किसने करी। एक मिनट, एक बड़ी साजिश थी कल, सुन लो बात, ऐसा ना, बात सुन लो, एक बहुत बड़ी साजिश थी। आप अगर किसान के पार्टी का झंडा लगा के भी कोई ट्रैक्टर पर जाता, मतलब ये आदत कर दी हमारी कि हम झंडा लगा के जाएंगे, लोग उस पर पथराव करते, एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये किसान बिरादरी को बर्बाद करने की साजिश थी। ये किसान बिरादरी जाग गई, यहाँ का पानी काटा गया, यहाँ की फैसिलिटीज काटी गई। और जब मैंने इधर 2000 पुलिस के लोग और उधर हमारे किसानों के ऊपर लाठियां बजती देखी, जब मुझे ऊपर ले वाले की याद आई, जब मैं देखा, जब कहा नहीं आंदोलन खत्म होगा, नहीं किसान खत्म होगा, किसान यहाँ से सम्मान के साथ में जाएगा, किसानों पर पत्थर नहीं, किसानों पर जो जीत, ये जंग है, ये जीत का जाएंगे और इस पर फूल बरसते हुए जाएंगे, सम्मान के साथ में किसान जाएगा।
मेरी सभी से अपील है, आप शांति का दान दें। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये आश्वासन करोगे आप, और कुछ नहीं चाहिए, बात सुन लो, और कुछ नहीं चाहिए, अब आपसे शांति चाहिए, शांति अपने से शांति चाहिए। अब यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, ये आपको हटा का आश्वासन देना पड़ेगा। कोई हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, मैंने वे पुलिस के कर्मचारी लोग देखे, शांति का दान दोगे, किसान की जीत होगी, किसान सम्मान के साथ में जाएगा, किसान बेइज्जती होकर दिल्ली से नहीं जाएगा, किसान सम्मान के साथ में जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप यह आश्वासन दो कि हम शांति रखेंगे, यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाएगा। सरकार को अगवा करवा देना चाहते हैं, हमको दो घंटे में या तो आप पानी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर दे, नहीं तो हम अपना पानी इसी जमीन पे, ये हमारा अधिकार है, नीचे का पानी हमारा है, हम उस कहावत को करेंगे, अपना पानी खोद के अपने समर सेविल करेंगे, अपना पानी हम इसी जमीन का पियेंगे। हमें दिल्ली का भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ का ही चाहिए, ये नहीं होगा, किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने जिम्मेदारी ली है, 4 लाख ट्रैक्टर मेरे कहने से आए हैं, 20 लाख आदमी मेरे कहने से आए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी उनकी लेता हूँ, उनका कोई गड़बड़ करी अगर मेरे आदमी ने, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, सजा मुझे दो। मेरे किसान शांतिपूर्ण तरीके से घर वापस गए, उन्हें मैं फिर कहूँगा, वे फिर आएंगे। आप शांतिपूर्ण, मशीन आ गई है, पानी का बोरिंग शुरू हो गया है, हम अपना पानी हमका ही खोदेंगे, हमका ही पानी हम पियेंगे। यह आंदोलन न खत्म होगा, न आंदोलनकारी खत्म होंगे। अब शांति, अब आपको शांति चाहिए, हर नौजवान शांति से, आपके बीच में ही लोग होंगे जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा, जो मीडिया के साथ में न्यूसेंस कर रहा, वो हमारा आदमी नहीं हो सकता। मीडिया ने हमारा साथ दिया, 65 दिन तक मीडिया ने हमको दिखाया, इनकी पूजा करो मीडिया के लोगों की, सोशल मीडिया की, जो मीडिया के लोगों ने, मैंने झंडे मांगे, मुझे 2 लाख झंडे दिए इन्होंने, अगर मीडिया हाउस ने झंडे नहीं दिए तो व्यक्तिगत लोगों ने मुझे झंडे दिए, मीडिया के लोग पानी लेकर आ रहे। आप शांति बढ़ाए, ये आंदोलन चलेंगे, किसान की जीत होगी, आप शांति बनाए रखो, आप बैठो।